हेलो दोस्तों, आज मैंने पनीर रोल बनाया है। ये मैंने घर पर ही बनाया है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल आटा लिया है, ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैंने इसमें मैदा यूज़ नहीं किया है। एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और एक 2 से 3 चम्मच हम घी के डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। हमें डो को ना तो ज़्यादा हार्ड टाइट गूंदना है, ना ही ज़्यादा मुलायम गूंदना है। नॉर्मल साइज में डो तैयार कर लेंगे इसका। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मसल के इसको सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे इसका। इसको अच्छे से मसलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया, सॉफ्ट तैयार हो गया ये। देखिए कितना बढ़िया डो तैयार हुआ है। और एक बॉल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके ऊपर से घी डिस कर देंगे थोड़ा सा, और कॉटन के कपड़े से इसको ढक देंगे, कोने से या किसी कॉटन के कपड़े से। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पनीर को तैयार करते हैं। हम एक बॉल लेंगे, इसमें 1 कड़छी हम सरसों का ऑयल लेंगे। ये 1 चम्मच मैंने देगी मिर्च ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तेल में। 1 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। और 1/2 चम्मच के करीब इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये लेमन जूस डाला है मैंने 1 चम्मच। 1 कटोरी मैंने इसमें दही यूज़ की है। ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फिर अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया, दही भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब एक कटोरी लेंगे, इसमें मैंने गरम कोयला था, कोयले के टुकड़े मैंने इसको गरम कर लिया था। अब इसको हम कटोरी में इसमें डाल के रख देंगे। ये देखिए जो हमने मसाला रखा था अच्छे से पक गया है। ये हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक रखना है। अब एक पनीर है, मैंने 1/2 किलो के करीब पनीर लिया है। इसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था। इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितने बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब एक तरफ हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच बटर गरम करेंगे। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जो हमने पनीर हमने मसाले के साथ मिक्स करके रखा है वो इसमें हम डाल देंगे। उसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर भी चला जाए। हमें इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसको बस पकाना है। हमने इसमें लिए लंबे लंबे प्याज, 2 प्याज लिए थे, मैं इसमें डाल देंगे, कट करके रखे थे पहले से ही। ऐसे गाजर और शिमला मिर्च भी मैंने लंबे लंबे कट के रखी थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से मिक्स हो गया। अब इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे, क्योंकि हमने नमक आटे में भी डाला था, पनीर में भी डाला था, इसलिए इसमें कम नमक यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको ऐसे टॉस करेंगे। अब
अब हम इसमें लच्छा पराठा बनाएंगे। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से। थोड़ा सा इसके ऊपर हम सूखा आटा डालेंगे। हमें लच्छा पराठा तैयार करना है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये बढ़िया से तैयार हुआ है। हम इसको बेल लेंगे। अब हम इसको सेक लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी घी लगाएंगे। हम इसके ऊपर से इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने सैलेड पत्ता लिया है, इसके ऊपर हम हरी चटनी लगाएंगे। ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, उसमें दही डाल के बनाई है मैंने। ये इसके ऊपर लगा देंगे। अब हमने जो पनीर तैयार करके रखा है मसाला, वो इसमें ऊपर डालेंगे हम। थोड़े से हम इसके ऊपर से कच्चे प्याज डालेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है। थोड़े से हम इसके ऊपर से हरी मिर्च डाल देंगे। ये मैंने रेड ये मैं टमाटो केचप है मैंने ऊपर से डाली है। साथ ही में थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये देखिए हमारा रोल बन गया है। हम इसको फोल्ड कर लेंगे, फॉइल में इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा पनीर रोल बनकर तैयार हो गया है। देखिए